आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। लखनऊ में आज पीडब्ल्यूडी विश्व सरैया सभागार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सामाजिक समरसता दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। वहीं स्वतंत्र देव सिंह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस खास कार्यक्रम में मौजूद लखनऊ उन्नाव परिक्षेत्र से नव निर्वाचित MLC रामचंद्र प्रधान ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देश में हर वर्ष 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि को समरसता दिवस के रूप में मनाने की परंपरा माननीय मोदी जी ने शुरू की। देश में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की परंपरा माननीय मोदी जी ने शुरू किया। 14 अप्रैल 2016 में विश्व के सबसे बड़े पटल संयुक्त राष्ट्र में माननीय मोदी जी के पहल पर बाबा साहब की जयंती मनाना शुरू की गई दुनिया के अंदर। बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण स्थान पंचतीर्थ के रूप में मोदी सरकार ने विकसित किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब लोगों ने नेतृत्व किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद हमारा गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आज एक चाय बेचने वाला, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला आदरणीय मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद ऊपर उठकर एक राष्ट्रवाद के बारे में सोच रहा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर एक सामाजिक समरसता जो कार्यक्रम आयोजन किया गया, हमारे साथ मौजूद है MLC रामचंद्र प्रधान जी, जानते हैं इस कार्यक्रम माध्यम से क्या कहना चाहेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती है, बाबा साहब की जयंती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो जैसे लोग हमारे दलित समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग, कमजोर समाज के लोग बाबा साहब के बारे में लोग नारा लगाते थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा, तो आज दुर्भाग्य से हमारे बीच में काशीराम जी नहीं है, लेकिन उस सपने को पूरा करने का काम मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। तो अब नारा बदल गया है कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, मोदी योगी करेंगे पूरा। इस चुनाव में भी हमने देखा लगातार जो पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने की बात की जा रही थी, पर अब भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो भी अभी भी विकास की राह से दूर हैं, उनको विकास के पथ पर लाने के क्या प्रयास करेंगे। देखिए, हमारा ये मानना है, बल्कि इस पर काम हो रहा है कि जितना जो भी वंचित वर्ग छूट गया है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पदचिन्हों पर चल रही, उनके आदर्शों पर चल रही, उनके कहे हुए रास्ते पर चल रही, उसके तहत जो काम कर रही है पार्टी, तो जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अगर कोई छूटा है तो उसके लिए भी काम हो रहा है। हमारी समझ से बहुत कुछ ऐसा हुआ कि बहुत कम लोग छूटे। हाँ, राजनीतिक हिस्सेदारी में अगर कुछ लोग छूट गए हैं तो उसके लिए भी पार्टी विचार कर रही है, उसके विषय चिंता कर रही है। MLC बने हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या मानते हैं जिम्मेदारी निभाए किस तरह करते नजर आए। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में, एक पहले सवाल का आधा सवाल मैं बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई निष्ठा ईमानदारी से कोई कार्यकर्ता काम कर रहा था, चाहे मैं ही कर रहा हूँ चाहे कोई भी करता, तो उसे निश्चित तौर पर उसे कहीं ना कहीं समायोजन होता जरूर, उससे मौका मिलता जरूर। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का एक हमारा जो अभी प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17 में भी थी और 16 में, तो ये 22 में भी, इसके तहत अब तक जो काम पार्टी का रोड मैप, जो हमारी सरकार का रोड मैप, माननीय योगी जी का रोड मैप बना हुआ, उस रोड मैप में तमाम योजनाओं लाने के लिए तमाम विधेयक लाने पड़ते थे, उन जो विधेयक जो थे, क्योंकि हमारा विधान परिषद में बहुमत न होने की वजह से वो विधेयक रोक दिए जाते थे, विपक्ष के द्वारा रोके जाते थे, तो कठिनाई आती थी। अब मैं समझता हूँ कि और तेजी से काम होगा और वो विधेयक अब बहुत आसानी से पास होंगे। गरीबों के हक में, कमजोर वर्ग के हक में जो काम करना चाहती सरकार,
वो अब तेजी से करेंगे। योगी जी, 100 दिन का एजेंडा बनाया है, 6 महीने का रोड मैप बनाया है, 1 साल का रोड मैप बनाया है, काम कर रहे हैं, आपके हिसाब से और क्या परिवर्तन होनी चाहिए? मैं पहले ही आपसे कह रहा हूँ ना कि एक सरकार का, हमारी माननीय योगी जी का एक रूट मैप ऑलरेडी तैयार है। उसी रूट मैप पे जो काम करने जा रहे हैं, वो उस पे सबका कल्याण होने वाला है। जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें तमाम ऐसे काम है जिसमें कोई नहीं छूटेगा, कोई वंचित रहेगा ही नहीं जिसको इसको लाभ न मिले। ये हमारे सर MLC राम सिंह, उनका कहना है कि जैसे कि योगी सरकार अब दूसरे कार्यकाल में काम कर रही है, आगे भी विकास का जो धारा है वो बहती नजर आएगी, और जिस तरह 2022 में प्रचंड बहुमत मिला है, 2026 में भी भारतीय जनता पार्टी दोबारा केंद्र में सरकार बनाएगी। कैमरा दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। वही अब खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां भारत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में सभी जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बता दें, इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं और संभ्रांत नागरिक अधिकारियों को संबोधित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला और संविधान निर्माण में उनके सहयोग पर चर्चा की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस के अवसर पर जो भारतीय जनता पार्टी पूरे इस सप्ताह समरसता दिवस के रूप में मना रही है, उस कार्यक्रम के तहत मेरा आना हुआ, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से पूरे समाज में समरसता का भाव पैदा करने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से देश में सभी जिलों को बराबर हिस्सेदारी मिले, ऐसे आकांक्षी जिले का भी निरीक्षण करने के लिए मुझे पार्टी द्वारा यहाँ पर सरकार के द्वारा भेजा गया है। उसके तहत मैं चंदौली में भी पूर्ण विकास हो, क्योंकि चंदौली एक आकांक्षी जिला है, पिछड़ा हुआ जिला है, उसमें जो कमियाँ हैं उसको कैसे पूर्ण किया जाए और त्वरित गति से और कैसे। खबर अयोध्या से है, जहां अंबेडकर जयंती के अवसर पर धूमधाम से जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान केवल नई परंपरा सृजित की गई बल्कि विभिन्न गुटों में अंबेडकर वादियों को एक मंच प्रदान किया गया और अंबेडकर के अनुयायियों ने एक ओर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि प्रदान की, तो वहीं स्कूली छात्राओं ने बाबा साहब के व्यक्तित्व के अनुरूप मंगल गीत प्रस्तुत करके उपस्थित जनों का मन मोह लिया। मार्ग में था कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है वो कई टुकड़ों में मनाया जाता है गांव में, तो हम ये सोचे कि सभी लोग पूरे ग्राम सभा इकट्ठा होके बाबा साहेब का 131वां जन्मदिन सभी लोग ग्राम सभा मिलके एक साथ और एक जगह मनाएं, यही प्रथा हमने आज से स्टार्ट की है और आगे भी चल के और इससे भी अच्छी बढ़िया व्यवस्था के साथ इसको हम लोग बनाएंगे हर्षोल्लास के साथ। हमारे गाँव के प्रधान अनिल सिंह द्वारा गांव में एक भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने रखा और बहुत ही जोश और उल्लास के साथ हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन मनाया, और साथ ही साथ हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि हमारे संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ी उन्हीं के नक्शे कदम पर सभी वर्ग के लोगों को, सभी समाज के लोगों को हम लोग उसी दिशा में लेके जाएंगे और गांव का खबर गोरखपुर से है, जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भीमराव अंबेडकर की जयंती का आयोजन किया। इस मौके पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अंबेडकर के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। आपको बताते चले कि कैबिनेट मंत्री ने अंबेडकर के जीवन और उनके संघर्षों के बारे में लोगों को बताया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुँचाने की बात भी कही। आज का मेरा ऐतिहासिक दिन है, ये जगह है, कभी यहाँ मैं अम्बेडकर बात पढ़ता था किस तरीके से दलितों, शोषितों, गरीबों के लिए हम सेवा दे सके। आज के दिन में लोकतंत्र क्या होता मैंने यहाँ समझा है। आज के जयंती के अवसर पर मैं प्यार और स्नेह मार्गदर्शन लेने के लिए यहाँ के जितने भी कर्मचारी संघ हैं इन लोगों ने आयोजन किया और इनके लिए स्पेशली मैं लखनऊ चलता आया हूँ कि ये लोग अम्बेडकर को तो मानते हैं
मैं चाहता हूँ अम्बेडकर की भी बात माने और उसको मनवाए और अम्बेडकर जो सपना देखे थे उसे पूरा करें और मोदी जी योगी को सहयोग करें कि सबका साथ सबका विश्वास सबका विश्वास है। तो ऐसे में बिना भेदभाव के अगर कोई योजनाओं का लाभ दे रहा है मोदी जी दे रहा है तो आज के दिन में असली में हम लोग मिल के अम्बेडकर के सपने को साकार कर सकते हैं अलग अलग रहकर। तो जयंती के अवसर पर एक अवसर है जयंती पर कि उस अवसर एटा में महावीर जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। महावीर जयंती के अवसर पर स्थानीय दिगंबर जैन मंदिर में जैन समाज के लोगों ने पूजा अर्चना करी। पूजा अर्चना के बाद जैन समाज के लोगों ने शहर में गाजे बाजे के साथ भगवान महावीर शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा कई इलाकों से होकर जैन धर्मशाला पहुंची। लखनऊ के सुल्तानपुर रोड पर गुसाईगंज थाना क्षेत्र में स्वयं पैलेस लॉन में तिलक उत्सव के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान नशे में धुत दबंगों ने तिलक में आए लोगों से बदसलूकी की और करीब 6 से ज्यादा लोगों पर तेज रफ्तार कार चढ़ा दी। तेज रफ्तार कार से कुचलने से एक युवक की मौत हो गई जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अभियुक्तों की तलाश जारी है। आज रात थाना गोसाईगंज में एक सूचना प्राप्त हुई कि स्वयंवर लॉन में एक व्यक्ति ने कुछ भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी है। इस पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना इस प्रकार की है कि एक व्यक्ति का स्वयंवर लॉन में तिलक हो रहा था, उसमें आशीष यादव आमंत्रित था। उसकी किसी और व्यक्ति के साथ हॉट टॉक हुई तो वो विवाद करने वहाँ पहुँचा और वहाँ पे उनके बीच में हॉट टॉक हुई और उसने एक बार वहाँ से वो रिटर्न हो गया था। आशीष रावत नाम का दूसरा व्यक्ति था जो कुछ और लोगों को लेकर आया, इनमें बीच मारपीट हुई और उसने गाड़ी कुछ भीड़ पर चढ़ा दी जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित की गई है। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। खबर लखनऊ से है जहां एक पुराने मकान में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट होने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और बॉम्ब स्क्वाड की टीम जांच में जुट गई है। बता दें कि डीसीपी साउथ गोपाल कृष्ण चौधरी ने मकान को सील करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। आज सुबह थाना सुशान गोल्ड सिटी के अवध विहार चौकी क्षेत्र में एक धमाके की आवाज की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और उस एरिया को सील कर दिया गया है। एक खंडहर सा छोटा सा कमरा बना हुआ है जिसमें कुछ गोबर और पड़ा है। वहाँ पर एक विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी गई थी जिसमें एक गाय का बछड़ा पास में था, उसके टांग झुलस गई है। वेट डॉक्टर को बुलाकर उसको इलाज कर दिया गया है और स्थिति सामान्य है। बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी मौके पर है। अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस कारण से ये धमाका हुआ है, लेकिन धमाके की इंटेंसिटी लो थी और ये फायर क्रैकर है या कुछ अभी कहना संभव नहीं है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड टीम और FSL टीम मौके पर है, आगे की कार्रवाई प्रचलित है। आज सुबह अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठनों ने शहर के प्रमुख चौराहे पर लाउड स्पीकर लगाने का ऐलान किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी की तरफ से अनुमति नहीं दी गई, इसके बावजूद कुंदन नगर में लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि हमने प्रशासन को जानकारी दे दी है और आगे भी शहर के विभिन्न चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। हमने अपनी गली के अंदर एक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करा था लाउड स्पीकर के माध्यम से, क्योंकि हमने ACM फर्स्ट मोहम्मद जफर साहब जो थे उनको ज्ञापन दिया था और हमने अतिशीघ्र तत्काल कार्रवाई करने की उनसे मांग करी थी और उन्होंने ये भी बोला था कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, पर अब तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। मस्जिदों पर यों के तों 10 के 10 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। हमने उनसे मात्रा कम करने की मांग करी थी, अभी तक कोई मात्रा कम नहीं हुई। उसके एवज में आज हमने यहाँ पर लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा का पाठ कराया। आगे हमारा प्रोग्राम है, हमारे जो बड़े भाई हैं प्रदेश मंत्री, पूर्व प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के CT चौधरी, उनके साथ मिलकर शहर के प्रत्येक चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने का कार्य करेंगे।
यूपी में दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद बाबा का बुलडोजर अवैध कब्जा करने वालों पर तेजी से चल रहा है। अलीगढ़ के कस्बा खैर में तहसीलदार हीरालाल सैनी और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर बुलडोजर चलवाकर 50 करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। तहसीलदार हीरालाल सैनी ने अपने कब्जे में लेते हुए नगर पालिका खैर को सरकारी जमीन को सौंप दिया है। जानकारी दी गई है कि सरकारी योजना के अनुसार किसी प्रोजेक्ट में इस सरकारी जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। खैर कस्बे के जो है गार्डन नंबर 1352 जो लगभग 32 बीघे है उसर के खाते की जमीन है ना जेडी जो है जी, इसको राज्य सरकार में निहित हो चुकी है। पहले खैर इंटर कॉलेज खैर के नाम से थी जो है जी, इस पर आज इस पर जो है कब्जा लिया जा रहा है। लगभग 32 बीघे है उसी सरकारी मालियत लगभग 50। खबर अलीगढ़ के एक गांव से है जहां जगह जगह जल भराव की किल्लत से पूरा गांव परेशानी से जूझ रहा है। पढ़ने वाले बच्चों से लेकर राह चलने वाले राहगीर भी जल भराव की समस्या से जूझते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों को पूरा ना करने का आरोप लगाया है। तो वहीं दूसरी ओर ग्राम प्रधान का दावा है कि गाँव में ग्रामीणों के द्वारा ही जल भराव की समस्या को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य राकेश कुमार ने SDM से लिखित शिकायत की है। SDM ने ग्राम पंचायत के अधिकारियों से तत्काल शिकायत का निस्तारण करने का आदेश जारी कर दिया है। गांव में हमारे निकलने के लिए रास्ता नहीं है, हमारी चक्की लगी हुई है, गांव परेशान है, हम भी परेशान है। आगे हमारी 5 बीघा जमीन है, 5-7 साल तो वो बंजर पड़ी है, पानी जबरदस्ती दे रखा है। प्रधान दबंग है, वो काम नहीं करना चाहता है, यही कह देता जो 400 कर लो, वो जो कहते हैं चलो दिखवाते हैं दिखाएंगे, और वो टीम को भेजने के लिए कहते हैं वो भेजते नहीं। मामला साहब आप देख ही रहे हो, जल भर रहा है, जनता परेशान है निकलने के लिए। और जो है प्रधान जी ने तो बहुत ज़्यादा जो कोशिश भी की, आज शायद SDM साहब के पास भी गए हैं और इनका ADO साहब के पास भी गए हैं और इन्होंने नाली भी खुदवा दी है, बट आगे को पानी नहीं निकलने दे रहे लोग। अलीगढ़ में कोरोना की अगली लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। जनपद में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। प्लांट स्थापित करने के लिए जिला अस्पताल समेत जनपद के 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिन्हित किया गया है। जिला अस्पताल और 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्लांट स्थापित होकर भी शुरू हो चुके हैं, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैर में खुले आसमान के नीचे लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट को अब धूप से बचाने और उसका रखरखाव ठीक रखने के लिए नगर पालिका खैर के चेयरमैन ने टीन शेड लगवाया है। अब ये जो टीन शेड है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैर में लगा हुआ है। क्या प्लांट है ये? ये ऑक्सीजन प्लांट है जो कि चेयरमैन संजीव अग्रवाल जी के द्वारा लगवाया गया है, और इसके रखरखाव के लिए जो बारिश में ये ऑक्सीजन प्लांट जो भीगता है इसको बचाव के लिए और लंबी आयु तक चलता रहे इसके लिए इसका पूरा कवर टीन शेड ये पूरा हो रहा है। ये सब संजीव अग्रवाल जी के स्वजन से उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। खबर कानपुर के बिठूर से है जहां बाघ से लुटेरों ने 15,000 के नींबू चोरी कर लिए। ये पहली बार है कि नींबू के बगीचे में रखवाली हो रही है। दरअसल नींबू की कीमत 10 रुपए का एक या 250 रुपए किलो होते ही लूट मच गई है। कई मालिकों ने नींबू की रखवाली के लिए कर्मचारी भी रखे हैं और कई बाग बगीचे मालिकों ने रात में वही डेरा डाल लिया है। बता दें कि बगीचा मालिक अभिषेक निषाद ने बिठूर थाने में नींबू लूट की FIR लिखवाने के लिए तहरीर दी है। बगीचे में चोर लगते हैं, इसके कारण देखना पड़ता है। महंगा नींबू अगर दर्जन टोल ले गया कोई तो बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए देखना पड़ता है, और फसल है नहीं। कितने समय से अपनी बगीचे की रखवाली कर रहा हूँ, कब से? रात और दिन भैया यहीं खेते में रह, घर नहीं हम लोग जाते हैं। घर जाएंगे तो गाँव के लोग तोड़ते देख लेते हैं तो कहते हैं चलो नींबू लाओ तोड़ के, तो इसीलिए हम लोग रातों दिन पहरा देते थे। नींबू की फसल मारी गई, कीड़ा लग गया तो नींबू की बहुत कमजोर है, जिस पेड़ में करता था 1 बोरी उसमें निकल रहा 2 किलो 3 किलो, तो महंगा तो होना है। खेती करने वालों ने खेती तो कर दी थी मगर उनको ये नहीं पता था कि उनका नींबू चोरी हो जाएगा। ऐसे ही एक घटना बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है जिसमें उनके किसानों के नींबू चोरी हो गए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि लगभग उसमें माना जा रहा है कि 15,000 नींबू थे, और नींबू इतना महंगा है कि आदमी आम बजट में नहीं आ रहा है। जहाँ नींबू की कीमत
10 रुपए के 4 होती थी, आज वहीं पर 250 रुपए से लेकर 300 रुपए किलो तक की नींबू, जिसमें से एक नींबू कीमत 10 रुपए के एक है। तो वहीं आदमी नींबू ऐसा खेतों में उगो रहा है जैसे कि मानो खेतों पे नींबू नहीं सोना उगाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मुशीर खान के साथ मैं रिजवान आलम, प्राइम टीवी न्यूज़ कानपुर। खबर सीतापुर से है, जहां भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार केंद्र और राज्य में गरीबों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष और विधायक सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।